मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट इस वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट होता क्या है और उसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे तो सबसे पहले मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट देखते हैं वी हैव सीन वी हैव सीन इन दिस सेक्शन फोर पॉइंट थ्री दैट ऑर्बिट्स ऑफ चार्ज पार्टिकल हेलिकल तो हम देख चुके जो चार्ज पार्टिकल की ऑर्बिट है अगर मैग्नेटिक फील्ड में पर, एंटर कर रहा है एक एंगल बनाते हुए तो वो हेलिकल मोशन करेगा

इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा क्योंकि हमें पता है जो रेडियस है वो एम वी बाई क्यू वी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करती है नॉन यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करती है तो रेडियस डिक्रीज़ करेगा और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज़ करती है तो रेडियस हेलिकल पार्ट पार्ट का इंक्रीज़ करेगा तो उसके बाद वी कंसिडर टू सॉलिनर एट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इंक्लोज इन अ अवैकुलेटेड कंटेनर तो हमने जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं दो सोलिनोइट कंसिडर किए हैं और एक कंटेनर में इसे रखा है और ये एक डिस्टेंस पे दोनों सोलिनोइट तो इसके बाद चार्ज पार्टिकल मूविंग इन दिस रीजन बिटवीन टू सोलिनोइार विद अ स्मॉल रेडियस द रेडियस विल इंक्रीज एज फील्ड डिक्रीज एंड द रेडियस विल डिक्रीज एज अगेन फील्ड ड्यू टू सेकेंड सोलिनोइट टेक्स प्लेस तो अगर हम इसमें फिगर में देखें तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड के पास है तो उसका रेडियस जैसे ये फील्ड से दूर जा रहा है तो इसका रेडियस इंक्रीज़ करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्योंकि रेडियस और मैगनेटिकील्ड इन्वर्सन प्रपोर्सन है तो रेडियस क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ कर रही है तो रेडियस इंक्रीज करेगा तो बिगर रेडियस से ये रिवॉल्व करेगा बट एज सून एज ये इस इस जो दूसरा सोलिनोइड है उसके उसको अप्रोच करेगा तो अगेन इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है तो उसका रेडियस अगेन डिक्रीज करने लगेगा तो इस तरह से वो रेडियस इस तरह का उसका पाथ होगा कुछ इसके बाद आगे देखें तो द सोलिन एक्ट एज अ मिरर और रिफ्रैक्टर सी द डायरेक्शन ऑफ एफ एज द पार्टिकल अप्रोच कॉल टू इन द फिगर इट हैज ओरिजेंटल कॉम्पोनेंट अगेन द फॉरवर्ड मोशन तो इसमें अगर हम एक चीज़ देखें तो जब पहले जब चार्ज पार्टिकल था ये तब इस पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन है इस तरफ वेलोसिटीज की इस तरफ है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ है और हम लेफ़्ट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आएगी बट अगर हम चार्ज पार्टिकल यहाँ देखें इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी यानी कि जो चार्ज आगे बढ़ रहा है उसको ये अपोज करेगा इसको वापस एज रिफ्लेक्टर ऐड करेगा तो ये इसको वापस रिवर्स डायरेक्शन में सेंड कर देगा तो एज अ रिफ्लेक्टर ये ऐड करेगा नेक्स्ट इसमें देखें तो इसमें दिस मेक्स द पार्टिकल टर्न बैक वेन द अप्रोच द सोलिनोइड सच एन अरेंजमेंट विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक वॉटल और मैग्नेटिक कंटेनर तो ये एक रिफ्लेक्टर की तरह एक्ट करेगा और ये मैग्नेटिक बॉटल भी कह सकते हैं इसे या मैग्नेटिक कंटेनर क्योंकि ये पार्टिकल को इसमें कंटेन कर रहा है द पार्टिकल विल नवर टच द साइड ऑफ द कंटेनर सच मैग्नेटिक वॉटर ऑफ ग्रेट यूज इन कन्फाइंग इन द हाई एनर्जी प्लाज्मा फ्यूचर एक्सपेरिमेंट तो ये टच नहीं कर पाएगा अभी कंटेनर को और ये यूज़ हम करते हैं जब प्लाज्मा को हाई एनर्जी प्लाज्मा को फ्यूजन जो तो एक्सपेरिमेंट में उसको कन्फाइन करने के लिए दिस्ट हमें पता है कि प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल्स हैं चार्ज आयंस हैं तो द प्लाज्मा विल डिस्ट्रॉय एनी अदर फॉर्म ऑफ मटेरियल कंटेनर बिकॉज ऑफ इस हाई टेम्परेचर और प्लाज्मा का टेम्परेचर हाई तो उसको हम कंटेन करना इम्पॉसिबल है तो, लेकिन ये अरेंजमेंट क्योंकि ये प्लाज्मा इससे टच ही नहीं हो पाएगा कभी क्योंकि हमने अभी देखा तो उस ये मैग्नेटिक फील्ड के इस कन्फाइनमेंट में ही वो इनसाइड रह जाएगा इसका इसके बाद अंदर यूजफुल कंटेनर इस टोराइड टोराइड आर एक्सपेक्टेड टू प्ले की रोल इन टोक्योमैक एंड फॉर प्लाज्मा कन्फाइनमेंट फ्यूजन पावर रिएक्टर तो टोक्योमे क्या है एक फ्यूजन पावर रिएक्टर में कन्फाइनमेंट है सिमिलरली उसमें टोराइड का यूज़ करते हैं हम जैसे हम टोराइड देख चुके हैं तो सिमिलर सेम प्रिंसिपल है उसमें भी देर इज़ ए इंटरनेशनल कोलेब्रेशन कॉल द इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेन्यू रिएक्टर आई टी आर बीन सेटअप इन फ्रांस फॉर अचीविंग कंट्रोल फ्यूजन ऑफ विच इंडिया इज अ कोलेबरेट तो ये आप देख सकते हैं